नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आइए जानते हैं आज की ताजा व बड़ी खबरें फटाफट। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। बिहार की ताजा खबरों में सबसे पहले आइए बात करते हैं बिहार में कोरोना अपडेट पर। बिहार में 638 नए संक्रमित मिले, 2 मरीजों की हुई मौत। पिछले 24 घंटों में 826 संक्रमित हुए स्वस्थ। बिहार में कोरोना वायरस से शनिवार को 638 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। वहीं 17 जुलाई व इसके पूर्व 774 नए संक्रमितों की पहचान की गई थी। इस तरह राज्य में 1412 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। 2 कोरोना संक्रमितों की मौत इलाज के दौरान हो गई। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 26,379 और मृतकों की संख्या बढ़कर 179 हो गई है। राज्य में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 62.91 है। 18 जुलाई तथा 17 जुलाई व उसके पूर्व की जांच रिपोर्ट के अनुसार पटना में 119, भागलपुर में 69, भोजपुर में 86, मधुबनी में 16, रोहतास में 112, मुजफ्फरपुर में 64, पश्चिमी चंपारण में 89 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 18 जुलाई को अररिया में 6, अरवल में 10, बांका में 8, बेगूसराय में 1, भागलपुर में 34, भोजपुर में 23, दरभंगा में 14, पूर्वी चंपारण में 23, गया में 49, गोपालगंज में 3, जमुई में 2, जहानाबाद में 21, कैमूर में 1, कटिहार में 1, किशनगंज में 8, लखीसराय में 15, मधेपुरा में 15, मधुबनी में 14, मुजफ्फरपुर में 39, नालंदा में 44, पटना में 64, रोहतास में 78, समस्तीपुर में 39, सारण में 23, शिवहर में 4, सीतामढ़ी में 10, सिवान में 3, सुपौल में 33, वैशाली में 5 और पश्चिमी चंपारण में 36 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में 826 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए हैं। सभी स्वस्थ हुए मरीजों को फिलहाल होम क्वारंटाइन में रहने का डॉक्टरों ने सलाह दी है। राज्य में अब तक 16,597 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि अभी 9,602 कोरोना एक्टिव मरीज हैं। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्रीय टीम ने बिहार का किया दौरा। कहा, बिहार में कोरोना जांच के तरीके में बदलाव लाना होगा। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर हालात का जायजा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में एक टीम बिहार पहुंची। केंद्रीय टीम ने बिहार के स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय टीम ने सुझाव दिया कि वर्तमान हालात से निपटने के लिए कोरोना की जांच के तरीके में बदलाव लाया जाए, इसके बिना हालात में परिवर्तन लाना मुश्किल है। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में केंद्रीय टीम ने राज्य में जांच और इलाज को लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। इसके बाद संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए उपायों को जानकारी भी दी। केंद्रीय टीम ने बैठक में ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया। कहा कि पहले संक्रमित को अलग करें, तभी संक्रमण की चेन टूटेगी। दिल्ली और महाराष्ट्र ने इसी के आधार पर संक्रमण से मुकाबला किया है और बेहतर परिणाम आए हैं। बिहार की जो वर्तमान स्थिति है वह पहले इन दोनों राज्यों में थी। बैठक में केंद्रीय टीम ने माना कि बिहार में अभी संक्रमण के कम्युनिटी ट्रांसफर की स्थिति नहीं है। बिहार में जांच के तरीके बदलकर इसकी संख्या बढ़ानी होगी। संक्रमितों की अलग करने के साथ इलाज की सुविधा मुहैया करानी होगी, तभी संक्रमण की स्थिति में परिवर्तन होगा। केंद्रीय टीम ने बिहार में कोरोना से बचाव के लिए हर प्रकार की सुविधाओं को मुहैया कराने को लेकर आश्वासन दिया। कहा कि मांग के अनुसार मेडिकल उपकरण व जांच मशीनें इत्यादि उपलब्ध। 3C मॉडल से घर बनेगा अस्पताल। अगर आप कोरोना संक्रमित हैं और अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। 3C यानी कम्युनिटी केयर फॉर कोविड-19 से आप अपना डॉक्टर स्वयं बन सकते हैं। 3C से आपको घर में भी अस्पतालों की तरह इलाज की सुविधा मिल सकेगी। आप या परिजन नर्सिंग सहायक की भूमिका अदा करेंगे और एम्स के विशेषज्ञ सलाह देंगे। सलाह मोबाइल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मिलेगी। प्रयोग के तौर पर यह व्यवस्था सिवान के चारी बाजार पंचायत में शुरू की गई है। वहां 10 बेड का कोविड आइसोलेशन वार्ड बना है, जहां कोई डॉक्टर नहीं है। स्थानीय स्वयंसेवक ही डॉक्टर की सलाह पर मरीजों को दवा दे रहे हैं। एम्स के टेलीमेडिसिन सह ट्रामा प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार की देखरेख में इसे शुरू किया गया है। दवाइयों की सूची और सावधानी का एक नोट तैयार किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन 5 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की संभावना। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन 5 अगस्त को होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय से संकेत दिए गए हैं कि वह पूर्वाह्न 11 बजे के आसपास अयोध्या पहुंचेंगे और अभिजीत मुहूर्त में भूमि पूजन सम्पन्न कराएंगे।
अभी तक हालांकि प्रधानमंत्री का अयोध्या के कार्यक्रम की आधिकारिक जानकारी घोषित नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्याय की ओर से श्री मोदी को 3 एवं 5 अगस्त को आने का न्योता दिया गया था। प्रधानमंत्री की ओर से 5 अगस्त की तिथि की पुष्टि की गई है। बताया गया कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीय सह तृतीय तिथि स्वार्थ सिद्धि योग वाली है और पूर्वाह्न 11:41 से 12:07 के बीच अभिजीत मुहूर्त में भूमि पूजन संपन्न होने का योजना है। कोविड-19 के महामारी के कारण भूमि पूजन का कार्यक्रम कई बार टाला जा चुका है। राशि आवंटित नहीं होने से वेतन भुगतान में देरी से शिक्षक परेशान। वेतन भुगतान में देरी से शिक्षक परेशान हो रहे हैं। समग्र शिक्षा अभियान मद से वेतन प्राप्त करने वाले नियोजित शिक्षकों को अप्रैल माह तक के वेतन का भुगतान हुआ है। मई जून समेत जुलाई के वेतन भुगतान को लेकर अब तक राशि आवंटित नहीं हुई है। एक तरफ कोरोना महामारी का बढ़ता प्रकोप तो दूसरी तरफ वेतन भुगतान के अभाव में शिक्षकों एवं उनके परिवारों के समक्ष मुश्किल स्थितियां बनती जा रही है। विभागीय पदाधिकारी राशि आवंटित की कमी की नाम पर इसे मामले को पन्ना झाड़ ले रहे हैं। टीएटी एसटीएटी उत्तरी नियोजित शिक्षक संघ गोपकुट के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक ने कहा है कि राज्य सरकार वेतन भुगतान के लिए राशि का विलम्ब आवंटन करे। पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली को आंदोलन पर उतरेंगी योग्यताधारी। पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली की मुख्य मांग को लेकर पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक योग्यताधारी आंदोलन पर उतरेंगे। यह निर्णय ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरी एसोसिएशन ने अपने प्रदेश पदाधिकारियों के बैठक में लिया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विकास चंद्र सिंह ने बताया कि 3 अगस्त से शुरू होने वाली सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उसके बाद भी बहाली नहीं हुई तो न्यायालय जाएंगे। इसके साथ ही एसोसिएशन ने अपने 35 जिलों के जिला अध्यक्षों के नाम और उनके मोबाइल नंबर के साथ सूची भी जारी की है। स्कूलों को खोलने को अभिभावक दे रहा है। स्कूलों को खोलने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय ने बिहार के अभिभावकों और बच्चों से राय मांगी है। इसमें विकल्प बताते हुए पूछा है कि स्कूल अगस्त सितंबर या अक्टूबर में कब खोले जाएं। साथ ही पूछा है कि इस दौर में अभिभावक स्कूलों से क्या उम्मीद करते हैं। इसके अलावा अभिभावकों से स्वतंत्र फीडबैक भी लिया है। सीबीएसई ने मार्क्स वेरिफिकेशन को आज से आवेदन शुरू। सीबीएसई ने 10वीं का रिजल्ट जारी करने के बाद अंकों के पुनर्मूल्यांकन व सत्यापन का दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अंकों का सत्यापन व पुनर्मूल्यांकन ऑनलाइन ही होगा। इसके लिए शुल्क भी देना होगा। 10वीं की परीक्षा में शामिल परीक्षार्थी मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए सोमवार से आवेदन कर सकते हैं। ₹500 प्रति सब्जेक्ट छात्रों को देने होंगे। 24 जुलाई तक आवेदन की अंतिम तिथि है। वहीं मूल्यांकित कॉपियों को फोटोकॉपी लेने के लिए 4 अगस्त से आवेदन शुरू होगा। 5 अगस्त की शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। छात्रों को ₹500 प्रति आंसर बुक के देने होंगे, जबकि पुनर्मूल्यांकन के लिए जो छात्र आवेदन करना चाहते हैं वे 10 अगस्त से आवेदन कर सकते हैं। 11 अगस्त की शाम 5 बजे तक आवेदन लिया जाएगा। इसके लिए प्रति छात्र प्रश्न ₹100 देने होंगे। छात्रों को बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पीजी कोर्स में 7 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन। मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। MBA समेत PG के सभी कोर्स के लिए 7 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। 12 अगस्त को सूची जारी कर दी जाएगी। अगस्त अंतिम सप्ताह में MBA एंट्रेंस टेस्ट संभावित है। बाकी विषयों में अंक के आधार पर ही नामांकन होंगे। इसके बाद 25 अगस्त को फाइनल मेधा सूची जारी की जाएगी। 45% अंक के साथ स्नातक छात्र ऑनलाइन आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। JEE एडवांस के सिलेबस पर होगी बैठक। कोविड-19 के कारण कई राज्यों में सरकार ने JEE एडवांस में छोटा और प्रश्न पत्र आसान करने की मांग की है। इस पर ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड JEE की बैठक होगी। बैठक में प्रश्न पत्र छोटा आसान करने से लेकर परीक्षा का समय बढ़ाए जाने पर भी चर्चा होगी। सिर्फ 1 साल के लिए परीक्षा के प्रश्न पत्र प्रारूप में बदलाव करना ठीक होगा या नहीं, इस पर भी बात होगी। इग्नू में 31 जुलाई तक आवेदन का अवसर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों के लिए मुक्त एवं दूरस्थ माध्यम से विज्ञान, लोक प्रशासन, व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम, मनोविज्ञान, कंप्यूटर जैसे विषयों में स्नातक में दाखिले की अधिसूचना जारी की है। इन कोर्स में आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। हालांकि एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए यह तिथि 15 अगस्त तक बढ़ाई भी जा सकती है।
पंचायतों में नौवीं की पढ़ाई आरंभ करने की तैयारी। कोरोना संक्रमण के चलते लागू मौजूदा लॉकडाउन के बीच भी शिक्षा विभाग सभी पंचायतों में मौजूदा शैक्षणिक सत्र नौवीं की पढ़ाई की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है। फिलहाल प्रदेश भर में विद्यालय बंद है। लॉकडाउन के कारण स्कूल कार्यालय भी बंद है, लेकिन इस योजना के लिए चिन्हित स्कूलों के हेडमास्टरों को हाई स्कूल के सुचारू संचालन के लिए मानसिक और बौद्धिक स्तर पर तैयार किया जा रहा है। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि बिहार के साथ देश दुनिया की खबरों से आप रहें अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।